देश में पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 10 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। उसी कड़ी में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मंडल प्रभारी पूर्व विधायक माननीय ईश्वर चंद्र शुक्ल के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल की मार झेल रही जनता से अपील कर बंदी करने का आग्रह किया। पार्टी के सभी कार्यकर्ता नगर निगम में इकट्ठा हुए और गोलघर की सड़कों पर दुकानदारों से अपनी अपनी दुकानें बंद करने की अपील किया। इस दौरान दुकानदारों ने बंदी में अपना सहयोग दिया और बंदी को सही बताया। शहर के कुछ पेट्रोल पंप भी बंद मिले। इस दौरान सड़कों पर आवागमन सामान्य रहा और बंदी का मिला जुला असर नजर आया। बंदी को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद रही और कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। बंदी को सफल बनाने के लिए ईश्वर चंद शुक्ल, जिलाध्यक्ष डॉक्टर सैयद जमाल अहमद, डॉक्टर प्रदीप पांडे, महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी, दिनेश चंद श्रीवास्तव, मार्कंडे सिंह, राणा राहुल सिंह, दिलीप जायसवाल, नासिर मुन्ना, विकास द्विवेदी, देवेंद्र उपाध्याय, प्रमुख प्रवक्ता दिलीप कुमार निषाद सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राणा गोस्वामी, एसएसपी शलभ माथिर और स्थानीय दुकानदारों ने कहा।
कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद योगी हम सब बंद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रिंस नाम है प्रिंस मौर्य प्रिंस मौर्य क्या काम करते हैं व्यापारी दुकानदार हैं हाँ उसका सपोर्ट तो है ही पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है पब्लिक परेशान हो गई है मोदी सुन ही नहीं रहे हैं जो उनको उचित लगता है बस वही करते हैं अपने हिसाब से ही कर ही रहे हैं हाँ बंदी का तो आज समर्थन कर ही रहे हैं तभी तो बाहर खड़े हैं दुकान के राकेश मौर्य जी समर्थन करते हैं मतलब तेल इतना महंगा हो गया कि हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है सरकार कम कर नहीं रही है क्या फर्क पड़ता है फर्क क्यों नहीं पड़ता महंगाई बढ़ेगी हर चीज़ का जाएगा पर भाई गाड़ी का तेल का सारे पे सामान मार्केट उसी पे होना है जीडी मिश्रा निश्चित रूप से आज जनमानस पूरी तरह से परेशान है आंदोलित है और हर आदमी की ज़रूरत है जो भी ज़रूरत है वो तेल से ही होनी है गाड़ी के सामान की राशन की सब्जियों की और आज पेट्रोल डीजल की बेतहाशा वृद्धि जो ये भाजपा सरकार करती थी कि हम आएंगे 40 रुपया करेंगे 30 रुपया करेंगे और आज ये स्थिति है कि अधिकतम 80 रुपया जो है चला गया है और इसी सैकड़ा की तरफ जा रहा है और निश्चित रूप से अभी हम लोगों ने एक आंदोलन किया था लेकिन कांग्रेस या अन्य दलों ने सहयोग नहीं किया था आज भारत बंदी का कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल को लेकर किया है निश्चित रूप से ये ज्वलंत मुद्दा है आम जनता से जुड़ा मुद्दा है निश्चित रूप से इसका हम लोग समर्थन करते हैं और इसे सरकार को चेतना चाहिए कि देख लो तुम्हारी आखिरी गिनती शुरू हो गई तत्काल तुमने कीमतों पर ध्यान नहीं दिया अंकुश नहीं लगाया तो 2019 में जनता तुमको इसका हिसाब मांग लेगी अजय कुमार मिश्रा अजय जी आज भारत बंद का संघर्ष कर रहा है किस तरह का बंद है क्या आप सही मानते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने आज बंद बुलाया है निश्चित रूप से वो बंद होना चाहिए था और इस बंद को जिस प्रकार से देश के सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता का परिचय देते हुए अपना समर्थन दिया है व्यापारी संगठनों ने अपना समर्थन दिया है आज जो बंद बुलाया गया था उसका हम सभी लोगों ने समर्थन किया है और पूरे गोरखपुर में आज हम देख रहे हैं कि बंद का अभूतपूर्व समर्थन सभी व्यापारी संगठनों ने हमको दिया है इस बंदी को हम पूर्णतः सफल मानते हैं रवि अश्वानी
हाँ पूरा पूरा सहयोग रहेगा हम लोगों का। इतनी महंगाई हो गई है, इतना परेशान कर दिया है लोगों ने, रोज़ रोज रेट किसी भी चीज़ का बढ़ता है क्या? कभी कभी बढ़े तो समझ में आता है, हमारा गारमेंट का काम है, फुल समर्थन है। और हम लोग तो चाहेंगे कि अनिश्चितकाल कर दें इसको। आप समर्थन की बात कर रहे हैं, हम लोग अनिश्चितकाल करने के लिए तैयार हैं। ऐसा है, मैं सबसे पहले मैं कांग्रेस जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा नेता है, मैं सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। गोरखपुर वासियों को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का धरती है, लेकिन फिर भी काफ़ी दुकान बंद है। हमारा कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया है, उसका असर आने वाला दिनों में ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये बंद का बहुत ज़रूरत था, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान आज़ादी होने का इतना साल बाद ऐसा कभी सरकार नहीं आया, केंद्र में हो हमारे प्रदेश में हो, जैसे आम आदमी को गला दबा दबा के कहते हैं एक करता है, एक करता है, जो करता है कहता है वो नहीं करता है। ये सरकार गरीब आदमी का, किसानों को, नौजवानों को आम आदमी का सरकार नहीं है, ये सरकार है उद्योगपति का सरकार है, बड़ा व्यापारियों का सरकार है। इसने इस सरकार ने आम आदमी को गला दबा दबा कर आज पेट्रोल का दाम हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनाया, डीजल का दामों से रिकॉर्ड बनाया, आज रसोई का गैस का दाम इतना बढ़ा दिया उससे रिकॉर्ड बनाया, बैंक का लेन देन में जो है उसमें रिकॉर्ड बनाया। ये है एक दुनिया में हिंदुस्तान को रिकॉर्ड बना के खराब करने का नाम बनाने वाला एक सरकार है। वो मुख से कहते हैं दूसरा करते हैं अलग, ऐसा सरकार का ये बन बहुत पहले ही जरूरत था, लेकिन हमारा नेता, हमारा अध्यक्ष राहुल जी का नेतृत्व में आज सारे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में बंद हो रहा है। जिस पार्टी ने इस बंद को सपोर्ट किया है उसको भी मैंने धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी का तरफ से, और राहुल गांधी को हाथ मजबूत करने के लिए वो आज सारा हिंदुस्तानियों ने आज हर प्रदेश में बंद जबरदस्त बंद हो चुका है। आने वाला दिनों में 19 में उसमें असर पड़ेगा, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आम आदमी को बचाने के लिए, किसानों, हमारा जो गरीब लोग है, हमारा श्रमिक है, सबको बचाने के लिए राहुल जैसे प्रधानमंत्री होने के बाद है हिंदुस्तान सुधरेंगे। मैं दोबारा गोरखपुर वासियों को धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सुबह से पैदल घूमते घूमते आज इस बंद को सफल बनाया। मैं हमारा जितना हमारा साथ ईश्वरचंद शुक्ला जी है, हमारा प्रदेश का उपाध्यक्ष, इस डिवीजन का इंचार्ज, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं जिला अध्यक्ष को जमाल साहब को धन्यवाद देता हूं। मैं अरुण अग्रहरी, हमारा शहर का जो अध्यक्ष है, साथ साथ में सारे कमिटियों का वरिष्ठ लोग, कार्यकर्ता, मैं राणा राहुल के सहित सारे नौजवानों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ प्रदीप पांडे जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, आशा करता हूँ आने वाला दिनों में सब एक साथ रहकर आने वाला दिनों में लड़ेंगे, काम करेंगे और इस धरती से राहुल जी को हाथ मजबूत करेंगे। अरे शांति है, जो है कुछ लोगों ने जो पुतला फूकने का प्रयास किया था उनको डिटेन किया गया है, बाकी कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति, कहीं पे किसी प्रकार की कोई बात जनपद में नहीं है, पूरी तरह शांति का माहौल है। सुबह से ही हमारे सभी अधिकारी जो है राउंड पे थे, QRTs लगी हुई थी और जो है अभी भी सभी लोग मोबाइल हैं, अलर्ट हैं और लगातार भ्रमणशील थे, और जहाँ जहाँ पे भी सूचना थी हम लोगों के द्वारा वहाँ पहुँचा गया। स्टैटिक डिप्लॉयमेंट्स भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे किए गए थे, जहाँ पे जो सेंसिटिव पॉइंट्स थे, और LIU का भी जो स्टाफ है वो लगातार सभी लोग टच में थे। देहात में भी हम लोग के द्वारा ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, वहाँ पे भी सभी अधिकारी मौजूद हैं और लगातार शाम तक सभी लोग अलर्ट ट्रेन में रहेंगे।